उत्तरकाशी से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का भी अहम योगदान रहा। चिनूक ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों को एयरलिफ्ट किया और एम्स पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मिशन के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर को ही क्यों चुना गया? दरअसल ये हेलीकॉप्टर बचाव अभियानों के दौरान एयरलिफ्ट की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाता है। इससे पहले भी कई मानवीय मिशंस में ये खासा मददगार रहा है। चिनूक के निर्माता बोइंग का कहना है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता के चलते यह हेलीकॉप्टर हिमालयी क्षेत्र में काम करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इसके अलावा चिनूक एक बार में 44 जवानों या 24 स्ट्रेचर एक बार में लेकर उड़ान भर सकता है। इसके टेंडम रूटर्स हेलीकॉप्टर को स्थिरता नियंत्रण देते हैं, साथ ही इसकी वजह से लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि साल 2021 में उत्तराखंड के ही चमोली इलाके में ग्लेशियर फटने से सुरंग ब्लॉक हो गई थी। इस दौरान करीब 130 मजदूर फंस गए थे। तब भी यहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।